प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं, जानिए सफेद मूंगा धारण करने के कुछ चमत्कारिक लाभ कि सफेद मूंगा अगर आप पहनते हैं तो उनसे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उपरत्नों में स्वयं इसका प्रभाव हम देखते हैं, शुक्र के दुष्प्रभाव को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60% तक यह मूंगा कम कर देता है। हर जगह एक ही बात पढ़ने को सुनने को मिलती है कि जितने वजन का रत्न होगा उतना ही लाभकारी होगा, परंतु सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय खुद परख कर देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। जो रत्न पहना जा रहा है उसका वजन उतना ही होना चाहिए जितने बल या शक्ति आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को आवश्यकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में है तब तो सफ़ेद मूंगा भूलकर भी मत पहनिए। शुक्र का असली रत्न हीरा है, आपको शुक्र के प्रभाव को कुछ शांत कर सकता है। उपरत्न या तो टूट जाएगा या किसी वजह से आपकी अंगुली से निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को शुगर हो उनके लिए सफ़ेद मूंगा बहुत लाभ प्रसिद्ध होता है। शुक्र के कारण व्यक्ति को शुगर का रोग लगता है। यदि सफ़ेद मूंगा पहन लिया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है। मूंगा अनेक प्रकार का पाया जाता है, परंतु वैदिक ज्योतिष में मुख्य दो प्रकार की मूंगे हैं, लाल मूंगा रेड कोरल और सफ़ेद मूंगा वाइट कोरल। इसके अलावा बात करें तो मूंगा रत्न की उपलब्धता मोती की तरह यह समुद्र में होता है। प्राकृतिक रूप से यह जितनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उतनी तेजी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसकी मांग दिन दिन बढ़ती जा रही है। वास्तव में समुद्र में मूंगा का निर्माण एक विशेष प्रकार के जंतुओं द्वारा किया जाता है। ये जंतु अपने रहने के लिए स्वयं लाल रंग का लसलसा पदार्थ निकालते हैं और मूंगे की बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते हैं। इसे अंग्रेजी में कोरल रीफ कहते हैं। यहाँ से लंबी लंबी शाखाओं के रूप में इसे प्राप्त करते हैं, फिर इसके छोटे छोटे आकार में काटकर रत्नों के रूप में इसे पहना जाता है। सफ़ेद मूंगा जैविक चिकित्सा, ज्योतिष, आयुर्वेद, कुछ शारीरिक और मानसिक दुर्बलता की स्थिति में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह वृषभ और तुला राशि से संबंधित है। ये रत्न उन्हें अवश्य पहनना चाहिए जो सुरक्षा, संपन्नता और आध्यात्मिक जागृति चाहते हों। इसको दान करने से पति पत्नी के रिश्तों में प्यार भरा रहता है, स्वास्थ्य, धन, ऐशो आराम प्राप्त होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके व्यक्ति को किसी भी बुरी गतिविधियों से बचाता है। इसको दान करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़कर इसके अलावा दागदार, चीरादार, अन्य दो रंग, खड्डा, दांडक, दार मूंगा नेष्ट फल देता है। अकाल मृत्यु भी द्योतक है। इस प्रकार का मूंगा आप बिल्कुल भी धारण ना करें। रत्नों को अपने जानने वाले से ही लें या फिर किसी परिचित व्यक्ति से लें या कोई अच्छा इसका जानकार हो तो उनसे लेकर आप पहन सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूंगे को सोने की अंगूठी में जड़वा कर दान किया जाता है। या आर्थिक कारणों से सोने की अंगूठी खरीदना संभव न हो तो चांदी में सोना मिलाकर या तांबे की अंगूठी में इसे जड़वा कर दान किया जा सकता है। मूंगे का कम से कम वजन 6 रत्ती होना चाहिए। इसे मंगलवार के दिन खरीद कर उसी दिन इसकी अंगूठी बनवा कर पहनना चाहिए। इसके अलावा इसके 10,000 बार इसके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इटालियन मूंगा, ताइवान और हांगकांग मूंगा को सर्वश्रेष्ठ मूंगा माना गया है। वह देसी मूंगा को मध्यम फल देने वाला कहा गया है। तो ये कुछ मूंगा को लेकर जानकारी थी। इसके अलावा अगर मूंगा आप कहीं से भी पहनते हैं तो किसी बड़े विद्वान से ज्योतिष से पहने। मूंगे के साथ हीरा, पन्ना, गोमेद, लहसुन या नीलम का भी धारण ना करें। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, भाग्य उदय, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।